हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाला हूं मैं। बाबर आजम टॉक्स अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो अभी T20 वर्ल्ड कप का आने वाला है, और मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं, इनके बयान देखेंगे हम कि क्या कहते हैं ये, प्रिडिक्शंस हैं इनकी अपनी टीम को लेकर, पाकिस्तान की टीम को लेकर और इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं ये। चलिए देखते हैं, मौका आने वाला है भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, चाहे कोई सी भी फॉर्मेट का हो मैच, धांसू होता है भाई, आग लगा देता है। बिना देरी के वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बाबर, जिस तरह आपने कहा कि पहला मैच ही एक इम्पॉर्टेंट होता है और वो अगर आप जीत लें तो उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ जाता है, स्पेशली जो ICC टूर्नामेंट्स की हम जब बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो वर्ल्ड कप में इंडिया से हम 7 मरतबा खेले हैं, 7 मरतबा हारे हैं। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर 5 मैच हैं, 4 हारे हैं। अब पहला मैच ही इंडिया से, जिस तरह आपने कहा, तो कितना ये प्रेशर और ये चीज़ें जो है हर्ट करती हैं कि मतलब कभी हम इस तरह जीते नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हो जाए, कि ये प्रेशर, जो जुमूद है, प्रेशर रहता होगा। देखें, आप जब बड़े इवेंट में जाते हैं तो मैटर करता है आपका बिलीफ और आपका एज अ ग्रुप कितना कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से एज अ ग्रुप और एज अ टीम हमारा कॉन्फिडेंस और मोराल काफ़ी हाई है। पास जो पीछे गुजर गया उसको हम नहीं सोच रहे, जो आगे आना है उसका हम सोच रहे हैं और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं और ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो ये आपने खास प्लानिंग की है इंडिया के खिलाफ मैच की, या इसको भी बाकी मैचों की तरह ही लेंगे? देखें, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और हमेशा होता है, इस चीज़ का प्रेशर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोनों टीमों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कोशिश यही करते हैं कि हम क्रिकेट पर फोकस करें, जितना हम अपने रिवाइवल क्रिकेट पर रखें उतना हमारे लिए अच्छा, और जितना काम रहेंगे, जितना हम अपने आप को ईजी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, और ऑन द डे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। तैयारियां सबकी अच्छी होती हैं, पूरी होती हैं, प्रेशर एक प्लानिंग तो नहीं है, मैं गड़बड़ी हुई है, आप माइंडसेट की प्लानिंग होती है। क्रिकेट तो एक और एक जैसी हो रही है, क्रिकेट चेंज नहीं होती, वो ये है कि प्रेशर को हैंडल आपने कैसे करना। बिल्कुल यही मैंने बोला, प्रेशर भाई, ये बताएं कि जाहिर है यूए की कंडीशन, प्रेशर से खेल गए तो मैच जीत गए, खासगार है, और स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या समझते हैं कि इस सिनेरियो में सबसे टफ टीम जो है आपको इंडिया के खिलाफ पहला ही मैच है, इंडिया ही फेवरेट है या हम फेवरेट बन जाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट यूए में खेली है और हमारे कितने चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के T20? देखिए, कंडीशंस की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल जब से मैं खेल रहा हूँ तो हमने वहाँ पर क्रिकेट खेली है और कंडीशन का हमें पता है, और हमें पता है बॉलिंग में कैसे किस तरह विकेट पे करेगी और बैट्समैन को कैसे खेलना पड़ेगा। देखें, ऑन द डे आपको जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो लास्ट में आके यही होता है कि पिच पर क्या होता है, अच्छी से अच्छी क्रिकेट कौन कैसा खेलता है। अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। दुबई ने बुलाया और हो गया नालायक पत्रकार हाजिर। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और बहुत फेमस मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, दुबई में T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का शुरू होने वाला है, आपसे पहला सवाल ये है कि प्रेडिक्शन क्या कहती है आप? प्रेडिक्शन, टू बी ऑनेस्ट, T20 में आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते जब तक मैच होता नहीं है। T20 एक तो शॉर्ट गेम है, ऑन द डे यू नेवर नो कि कौन अच्छा खेले। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो इस IPL में KKR बॉटम पे था, राइट? जब वो सेकंड लेग दुबई के लिए आए तो वो फाइनल खेले। तो ये कुछ लोग सोचते हैं वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या वो चैंपियन ट्रॉफी जीते या इंडिया वर्ल्ड कप में कभी हारा नहीं। तो T20 में आप ये नहीं कह सकते, T20 इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात करी, दिल में लगती है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात मत किया करो यार, आप तो मत किया करो ना यार चैंपियंस ट्रॉफी की। क्रिकेट तो अजूबों का खेल है, अजूबों का, मतलब एज अ प्लेयर अगर आप कभी भी बाजी पलट जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप नो कि कब क्या हो जाए, ये चीजें होती है। इवन आप किसी इंडियन क्रिकेटर से पूछोगे उनकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जो वो याद करते हैं, ये मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ में आपको बहुत कम मिलते हैं। पर आमिर भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड कप हैं, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो,
इंडिया की एक बहुत सॉलिड एज है पाकिस्तान के ऊपर, क्या रीजन है और आपको क्या लगता है इस बार क्या वो चीज जो है जो वो ज्यादा प्रेशर तो नहीं देगी बाबर आजम को? प्रेशर इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया गेम जो होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर टू बी ऑनेस्ट। जो ऑन द डे अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो गेम विन सब खिलाड़ी यही बोलेंगे सब, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली चीज है। ही इज लीडिंग द टीम बट ही इज परफॉर्मिंग वेल, और आप देखिए उसके जितने भी तीनों फॉर्मेट्स हैं वो ही इज परफॉर्मिंग वेल, तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि लीडर जो है खुद एक अच्छी फॉर्म में है। और अगर आप देखें उसके साथ जो हमेशा से पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है लीडर अच्छी फॉर्म, और अभी T20 में देखें उनका जो पेयर है रिजवान के साथ है He also performing well. तो पाकिस्तान का भी इस टाइम अगर आप कह सकते तो बैटिंग प्लस पॉइंट जा रहा है। हालांकि पास में देखे तो हम कहते थे कि इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन वो नाउ जो अभी मुझे लग रहा है इस टाइम पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी जा रही है, क्योंकि आप देखें रोहित विराट दे वर स्ट्रगलिंग इन द IPL, तो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं वैसे इसी बात पर आना चाहता था क्योंकि जो हमेशा मैचअप होता है वो इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स का होता है, लेकिन एक बॉलिंग में भी एक और मैचअप है, बूम बूम आफरीदी, वो वाले नहीं आपके वाले नहीं, बूम बूम बुमराह और शाहीन आफरीदी, तो वो जो मैचअप है वो आपको कैसा लग रहा है इस बार? देखिए बुमराह के साथ अभी शाहीन को मैच करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि शाहीन इज़ यंग, ही इज़ लर्निंग, और बुमराह बहुत अच्छे से इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहा है और ही इज डूइंग सो वेल एंड ही इज द बेस्ट T20 बॉलर आई थिंक राइट नाउ पिच इन द टेस्ट ओवर्स। तो लेकिन शाहीन पाकिस्तान का इस टाइम बेस्ट बॉलर है और वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1.5 ईयर से, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि बुमराह भी अच्छा नया बॉल कर लेते हैं, शाहीन आई थिंक शाहीन यंगस्टर में ही इज आई थिंक मोस्ट बेस्ट बॉलर राइट नाउ जो नया बॉल अच्छा कर रहा है यंगस्टर। तो आमिर भाई बॉलिंग अटैक दोनों ही टीम्स का इस टाइम पर अगर बॉलिंग अटैक देखा जाए किसका बेटर लग रहा है, और ऑल्सो अभी आपने IPL की बात करी, सबको लग रहा था कि धीमी पिचेस हैं, स्पिनर्स ज्यादा अच्छा वो विकेट निकालेंगे, पर विकेट अगर निकाले तो ज्यादा चेंज ऑफ पेस वाले बॉलर से निकाले, उस हिसाब से अगर देखें तो कौन सा जो आपको रिकॉर्ड जो कौन सी टीम है जो आपको लग रहा है कि बॉलिंग में इस टाइम पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए बॉलिंग में अगर आप देखें फास्ट बॉलिंग में देखें तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग में बेटर है, क्योंकि हसन इज डूइंग सो वेल, हसन अली एंड शहीन ऑल्सो और हारिस राउत, ये तीनों T20 के बेस्ट बॉलर और डेथ के भी अच्छे बॉलर हैं। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बूबी वाज स्ट्रगलिंग इन द IPL, बुमराह इज द ओनली वन के आप कह सकते हो कि ही इज डूइंग सो वेल फॉर इंडिया, एंड शामी शानी कैन डू वेल विद द न्यू बॉल आई बिलीव, स्पेशली इन T20 मुझे उनकी इतना वो आइडिया नहीं है कि वो डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करते, लेकिन बुमराह इज अ कंप्लीट बॉलर। स्पिन पे आ जाएं तो इंडिया हैज अ एच अगर आप कह सकते हैं, उनके जितने भी बॉलर्स थे वो अभी IPL में सारे परफॉर्म कर रहे थे, जडेजा, अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, सो अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो इंडिया को एच। हार्दिक पांड्या के बारे में लोग काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या आप खेले भी हैं उनके अगेंस्ट बॉलिंग में भाई इंडिया, आपको क्या लगता है इंडियन टीम में अगर आपको इंडियन टीम चुननी होती तो हार्दिक पांड्या को आप मौका देते इस टाइम जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उनकी? अगर वो बॉलिंग कर रहे होते, अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आपको फिर हार्दिक को ही खिलाना है तो फिर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। अगर तो हार्दिक बॉलिंग कर रहे होते तो फिर तो उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता था, ही इज आई थिंक फॉर इंडिया ही वाज डूइंग सो वेल विद द बॉलिंग एंड बैट, चैंपियन ट्रॉफी में भी आपने देखा था बॉलिंग भी उन्होंने ठीक की थी, बैटिंग में भी अच्छा था, लेकिन अगर वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप रिटायरमेंट से वापस आने का कोई प्लान है? अगर आपका प्लान है तो आप अफरीदी साहब से बात कर लो ना, वो तो वैसे भी एक्सपर्ट है उसके, थोड़ा सा आप क्योंकि माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिटनेस है आपकी, कोई प्लान है? क्योंकि जिस तरीके से रिटायरमेंट हुआ मजा सा नहीं आया, क्रिकेट फैंस को भी लगा कि यार थोड़ा सा जल्दी हो गया, क्या सोच रहे हैं? अभी तो टू बी ऑनेस्ट कोई प्लान बोर्ड की वजह से हुआ था, माय फैमिली एंड जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी, क्योंकि देखिए चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको जब हो जाती है तो उनको आई थिंक पीछे छोड़ देना चाहिए, लाइफ इज ऑल अबाउट मूव फॉरवर्ड, और मैं यही ट्राई कर रहा हूँ, एंजॉइंग माय टाइम। थैंक यू सो मच आमिर भाई। अपने वीडियो में देखा बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का जो प्रेडिक्शन है, वो तो अभी लीड कर रहे हैं टीम को, बाबर आजम जो हैं उनका जो प्रेडिक्शन था, उनकी जो कॉन्फिडेंस था वो एक न्यूट्रल लेवल पर दिखाई दिया मुझे, कि वो इस तरह से सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों का कुछ भी हो सकता है, मौके की बात है, और सब लोग जिनमें कॉमन सेंस होगा, जो क्रिकेटर होंगे, जो एक स्पोर्ट्समैन होगा, वो यही सोचेगा और यही बोलेगा कि पिच पर जाकर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का इतना ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर होता है, उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बोलना नहीं चाहते हैं खिलाड़ी, क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो जाती है अगर हम कुछ ओवर बोल कर चले गए, लेकिन जब जीत जाते हैं
तब आप कितना भी नाचें डांस करें कुछ भी करें। और सही बात है ये Q20 के मैचेस ऐसे होते हैं कि आप कभी भी देखेंगे उसमें, वैसे तो कोई सा भी फॉर्मेट उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट गेम है एक बदलाव का, मतलब कभी भी चेंज आ जाता है क्रिकेट में, कभी भी पासा पलट जाता है। अगर कोई टीम जीत रही है तो वो कभी भी हार सकती है, लास्ट बॉल तक कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जीतेंगे। अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं और अच्छी एक रणनीति जो होती है, एक अच्छा प्लान होता है, एक अच्छी सोच के साथ अगर जाते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि मेंटल प्रेशर जो आपके ऊपर है उसको थोड़ा कंट्रोल और सही वे में आप यूज़ कर उस चीज़ को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। और ये बात सच है कि इंडिया इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फॉर्म में चल रही है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, सभी में बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। और ये सिर्फ मैं इंडिया में बैठकर नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी लोगों को आपने देखा होगा सुनते हुए, खिलाड़ियों को देखा होगा कि बहुत सही सही फॉर्म में चल रहे हैं इंडियन प्लेयर्स। अच्छी फॉर्म का भी एक प्रेशर चलता है जब आप मैचेस देखते हैं पिछले अगली टीम के, आपकी अपोजिट जो टीम है उसकी मैचेस देखते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी और ज़्यादा बन जाता है, बढ़ जाता है कि वो टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है तो प्रेशर होता है कि हम पिच पर जाकर उससे कैसे भिड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। दिल से सपोर्ट इंडिया के लिए कि जीते और अच्छे से जीते और बढ़िया कर जीते, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी टीम कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो और मज़ा आए हम लोगों को सभी को देखने में। एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में किसे एक्साइटमेंट नहीं होती, सभी को एक्साइटमेंट होती है, तो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर मैच में होने क्या वाला है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।